लगता है कि आप नहीं जानते हैं कि क्या कहना है या बातचीत कैसे शुरू करें। क्या आपके लोग आपकी बातों को नहीं सुनते हैं? क्या आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं? हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट बुक में इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर और पर्सनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट मार्क रिक्लाउ ने लोगों के साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप के पीछे के सीक्रेट का खुलासा किया है। इस प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड में आप स्पेसिफिक प्रिंसिपल को सीखेंगे जो आपको ज्यादा पावरफुल रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में मदद करेंगे और आपके कॉन्टैक्ट में आने वाले हर इंसान पर पॉजिटिव और लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ेंगे। इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए इनको प्रैक्टिस करें और आप महसूस करेंगे कि पीपल मैग्नेट बनना आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। रिसर्च ने कुछ ट्रेट और आदतों की पहचान की है जो कुछ लोगों को दूसरे की तुलना में ज्यादा पसंद करने लायक बनाती हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे 33 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आप सबको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और लोग आपको और ज्यादा पसंद करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शेक इट। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमेशा आप पहले हाथ मिलाने को ऑफर करें। ये सिग्नल देता है कि आप बातचीत के कंट्रोल में हैं। ये एक पावर मूव है। आपको सही तरीके से हाथ मिलाना है। अपनी उंगलियों को इस तरह से स्लाइड करें कि आपके अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच का वेब उस इंसान के वेब को छू रहा हो जिससे आप मिल रहे हैं। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब भी आपको ये कॉन्फिडेंट दिखा देगा। गेज डीपली। आई कॉन्टैक्ट से बचे नहीं, बेशक घूरे नहीं, लेकिन किसी की आंखों में देखने से पता चलता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। इससे आप कम नर्वस दिखेंगे। ये उस इंसान को भी ज्यादा स्पेशल महसूस कराएगा कि आप उनके मुंह से निकलने वाली चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप एक साइको की तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप एक फ्रेंडली जेन्युइन साइको की तरह दिखेंगे। जो नकली लगता है उससे कोई बात नहीं करना चाहता। पुट योर सेल्फ इन समवन एल्सेस शू। इसका बेसिकली मतलब किसी और के पर्सपेक्टिव से सोचना है, लेकिन ये बस इतना ही नहीं है। इसके अलावा आपको इन थॉट्स को अमल में लाने की भी जरूरत है। ये अजनबियों के साथ बहुत अच्छा काम करता है। बी रेडी टू एंगेज। जब आप किसी मीटिंग, इवेंट, पार्टी या कहीं भी कन्वर्सेशन के लिए पहुंचे तो खुद को तैयार करें। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, कन्वर्सेशन के टॉपिक्स, क्वेश्चंस और कहानियों को अपने दिमाग में रखने के लिए तैयार रहें। ये आपको स्मॉल टॉक से बचने में मदद करेगा। फोकस ऑन CPI। CPI का मतलब है कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हर कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन में एक जरूरी एलिमेंट है। आपकी ड्यूटी है कि जब आप नए लोगों से मिलते हैं और यहाँ तक कि जब आप उन लोगों से बात करते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, तो जल्द से जल्द CPI को ढूंढना शुरू करें। ये आपके और दूसरों के बीच एक बॉन्ड बनाने में मदद करता है। ये आपकी अप्रोच कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और उन्हें आपके साथ बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। डोंट क्रॉस योर आर्म्स एट नेटवर्किंग इवेंट्स। अगर आप बोर हो गए हैं, थके हुए हैं या बस वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तो भी अपनी बाहों को क्रॉस ना करें। यह आपको डिफेंसिव, नर्वस, जजमेंटल, क्लोज माइंडेड या स्केप्टिकल बनाता है। ये एक आसान सबकॉन्शियस नॉन वर्बल सिग्नल है जो कहता है दूर रहो। लोग क्रॉस किए हुए आर्म्स को देखते हैं और दूर चले जाते हैं। वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, मतलब आप अप्रोचेबल नहीं है। गिव फ्लेवर्ड आंसर्स। आपने अपने कन्वर्सेशन में बहुत सारे फ्रूटलेस क्वेश्चन सुने हैं, जैसे कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है या आप कैसे हैं? जब इस तरह के सवाल सामने आते हैं तो ठीक है जवाब देने के कन्वर्सेशन खत्म करने की चाल में ना फंसे। इसके बजाय एक फ्लेवर जवाब दें। अमेजिंग या सब कुछ बहुत अच्छा है। सामने वाला इंसान तुरंत अपना बिहेवियर बदल देगा, मुस्कुराएगा और ज्यादातर टाइम पूछेगा कि आपने इस तरह से कैसे जवाब दिया। क्यों? क्योंकि इसकी किसी को उम्मीद नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अपने रिस्पॉन्स को मैग्नीफाई करने के लिए एक सही रिस्पॉन्स की पेशकश करना, खुद को शेयर करने या खुद को दूसरों के लिए पर्सनली अवेलेबल कराने का एक सही तरीका है। गिव ऑप्शंस फॉर कम्युनिकेशन। आपके दोस्तों, कलीग्स, कस्टमर और कोवर्कर्स आपके साथ अलग अलग तरीकों से कन्वर्सेशन करते हैं। कुछ फेस टू फेस चुनेंगे, कुछ ईमेल करेंगे, दूसरे बुलाएंगे, कुछ लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे। उन सभी को अकोमोडेट करें। लोगों को आपसे कॉन्टेक्ट करने के ज्यादा से ज्यादा तरीके दें। इसे आसान और प्लेजेंट बनाएं। ऑलवेज हैव अ बिजनेस कार्ड। बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने कभी न कभी ये महसूस किया है, उस वक्त मेरे पास मेरा बिजनेस कार्ड था। इसलिए इसे हमेशा अपने साथ कैरी करें, क्योंकि बहुत बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना या मांगना थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है। कॉन्कर योर फियर ऑफ रिजेक्शन। क्या आपने कभी ये खुद को कहते हुए सुना है, वो मुझे वापस से हेलो नहीं कहेंगे, उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, मैं खुद बेवकूफ बन जाऊंगा। डर सबसे पहला कारण है कि लोग बातचीत शुरू नहीं करते हैं। रिजेक्शन का डर, इनएडिक्वेसी का डर और बेवकूफ दिखने का डर, लेकिन प्रैक्टिस इस डर को दूर कर देगी। जितना ज्यादा आप बातचीत शुरू करते हैं आप उतने ही बेहतर होते जाते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन देने वाले पहले इंसान बने या केवल हेलो कहने वाले बने। जब आप पैसिव रोल की बजाय एक्टिव रोल निभाते हैं तो आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और रिजेक्शन के चांसेस को कम करते हैं। बी ऑनेस्ट। आपको शुरुआत में अपने गहरे, सबसे गहरे सीक्रेट्स को रिवील करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ईमानदार नहीं होना चाहिए। जब आप एक उलझा हुआ वेब बुनते हैं तो वो आखिरकार सभी के सामने आ जाएगा, इसलिए पहले दिन से ही जेन्युइन होना बेहतर है। अगर आपको झूठ बोलने या सच्चाई को इंटरप्रेट करना महसूस होता है तो सोचें कि ऐसा क्यों है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप किसी को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी पॉलिसी होती है और आप उन सब्जेक्ट को छूने से बच सकते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराते हैं, बजाय इसके कि आप झूठ बोले। एट द एंड ऑफ द डे अगर दूसरा इंसान आपको जेन्युइनली पसंद नहीं करता है तो आप उनसे अपने दोस्त होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मिररिंग बॉडी लैंग्वेज, किसी दूसरे इंसान से बात करते टाइम उसकी बॉडी लैंग्वेज की नकल करके आपको और ज्यादा पसंद करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। अगर आप उनके हाव भाव, एक्सप्रेशन और पोस्चर की नकल करते हैं तो आप उन्हें ये महसूस करा रहे हैं कि आप उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं और उनके लिए एम्पथी रखते हैं। नतीजा ये है कि वो आपको ज्यादा पसंद करने लायक और रिलेटेबल पाएंगे, चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो। पर्सनल हाइजीन, अगर आपकी सांसों से स्मेल आती है या आप अपनी पर्सनल हाइजीन को निग्लेक्ट करते हैं तो ये एक वास्तविक रुकावट हो सकती है। रेगुलरली नहाते हुए अपने बालों और अपने चेहरों के बालों को अच्छी तरह से ग्रूम करें और इंश्योर करें कि आपका ओवरऑल लुक साफ और टाइडी है। सांसों की स्मेल को दूर करने के लिए पुदीना चबाएं या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करने के लिए फ्री महसूस करें। अगर आप बाहर से अच्छे दिखते हैं तो आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपको और भी ज्यादा अप्रोचेबल बना देगा। लर्न टू एक्सप्रेस हाउ यू फील, जब आपने सोचा है कि आपके अंदर भरोसे की कमी कहां से आ रही है तो इसे ये कहकर एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, मैं परेशान महसूस करता हूं क्योंकि मुझे इसके कारण दूसरों से खुलना मुश्किल लगता है। आपको ये सुनकर सरप्राइज होगा कि दूसरे लोग न केवल समझते हैं बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं। अपने दिमाग में से ये निकाल दें कि कोई आपको नहीं समझेगा या आपको लगेगा कि आप बेवकूफ हैं। खुद की साइड सच्चे होने और आप कैसा महसूस करते हैं इसे एक्सप्रेस करने से वास्तव में आपको लंबे टाइम में अच्छे दोस्त बनाने में मदद मिल सकती है। बी पर्सनल नॉट वल्नरेबल, आप अनसेफ महसूस करने के डर के बिना अपनी जिंदगी के कई पर्सनल एस्पेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ये आपके फेवरेट म्यूजिक के बारे में हो सकता है, आप अपने खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, आपको जिंदगी में क्या मोटिवेट करता है, आप अपने नेबरहुड के बारे में क्या पसंद करते हैं, सभी पर्सनल सब्जेक्ट्स जो आपको इमोशनली एक्सपोज महसूस नहीं कराते। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो जिंदगी में किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करने से बचें जो आलोचनीयता की फीलिंग पैदा करे। इसमें आपकी हेल्थ, मेडिकल कंडीशन, फैमिली ड्रामास, रिश्ते की चिंता, डर या मुश्किलों से रिलेटेड सब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं। बिकम मोर सेल्फ अवेयर, ज्यादा पसंद करने लायक बनने का पहला कदम ये है कि आप इस बात की बेहतर समझ हासिल करें कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर और अपने कुछ टेक्स्ट और ईमेल पढ़कर शुरुआत करें। इमेजिन कीजिए कि केवल इन मैसेज और पोस्ट के बेस पर किसी को आपके बारे में एक राय बनानी थी, उनका क्या इम्प्रेशन होगा। आप फीडबैक के लिए फैमिली के किसी मेंबर या करीबी दोस्त से पूछकर ज्यादा अवेयर हो सकते हैं। उन्हें अपनी ताकत, कमजोरियों और वो कैसे सोचते हैं कि दूसरे आपको देखते हैं इसके बारे में बात करने के लिए कहें। शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स, जल्दी जल्दी दोस्त बनाने वाले लोग अक्सर बहुत सारे सवाल पूछते हैं और दूसरों को जानने में दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस तरह का ध्यान पसंद करते हैं। सवाल पूछना, सुनना और लोगों को अपना पूरा ध्यान देना, ये सभी आपको दोस्तों को अट्रैक्ट करने में मदद कर सकता है। आप उन्हें हेलो कहने के लिए दूसरों के ऑफिस के पास से गुजर सकते हैं, ये पूछने के लिए कि वो कैसे हैं, एक टेक्स्ट मैसेज भेजें या यहाँ तक कि उन्हें केवल बात करने के लिए कॉल करने से भी आप दूसरों में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। इन थॉटफुल एक्शंस को अक्सर अप्रिशिएट किया जाता है, भले ही उन्हें बहुत कम टाइम और एफर्ट की जरूरत होती है। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए, इस बुक को समझने के अलावा, आप हाउ टू टॉक टू एनीवन को वर्ड्स टू एक्शंस, विश्वास उन मेन क्वालिटीज में से एक है जो लोग किसी दोस्त में देखते हैं। लोगों का विश्वास हासिल करने का सबसे अच्छे तरीकों में से एक है कंसिस्टेंट बने रहना। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसे फॉलो करना इंश्योर करें, खासकर अगर दूसरे आप पर भरोसा कर रहे हों। जेन्युइन और फेक इंटरेस्ट या चिंता का नहीं होना जरूरी है। ज्यादातर लोग बता सकते हैं कि आप उनके साथ कब स्ट्रेट नहीं है और उनका विश्वास कम हो सकता है। अपनी बात रखने और लोगों के साथ ओपन रहने से वो सीखते हैं कि वो जरूरत के टाइम पर आप पर भरोसा कर सकते हैं, जो एक दोस्त और एक रिलेटिव के बीच में डिफरेंस में से एक है। मेक अ फ्रेंडली फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन पावरफुल और लास्टिंग होता है, और रिसर्च के हिसाब से ये किसी के मिलने के पहले 7 सेकंड के अंदर बनता है। बुरे इम्प्रेशन से उभरने की कोशिश करने की तुलना में एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना आसान है, इसलिए इस बात से अवेयर रहें कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। जब फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने की बात आती है तो सबसे जरूरी बात फ्रेंडली होना है। एक पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए एक स्माइल, हाथ मिलाना और वार्म ग्रीटिंग बहुत अच्छे तरीके हैं। बातचीत के दौरान किसी का नाम इस्तेमाल करना फ्रेंडली होने और एक अच्छा इम्प्रेशन बनाने का एक और आसान तरीका है। फाइंड कॉमन ग्राउंड,
उन लोगों के साथ रिलेशन बनाना आसान है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, इसलिए कॉमन इंटरेस्ट की तलाश करना रिलेशन बनाने का एक शानदार तरीका है। ये मानकर शुरू करें कि आप सभी से मिलते जुलते हैं, भले ही वो आपसे बिल्कुल अलग लगे। उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में पूछें, उन्होंने कहाँ ट्रैवल किया और उन्हें अपनी जॉब के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। आखिरकार आप कुछ कॉमन पॉइंट्स ढूंढ पाएंगे। ये अप्रोच आपके दिमाग को डिफरेंसेस के बजाय सिमिलैरिटी की तलाश करने के लिए ट्रेन करती है और आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने से रोकती है। स्टे इन टच। ढेर सारे दोस्त बनाने का राज सिर्फ नए दोस्त बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें बनाए रखना भी है। अगर आपने हाई स्कूल, कॉलेज और अपने पिछली दो जॉब के दोस्तों से कॉन्टैक्ट खो दिया है तो फिर से जुड़ने में बहुत देर हो सकती है। आप लोगों के कॉन्टैक्ट में रहने के लिए एक पॉइंट बनाकर इसे रोक सकते हैं, तब भी जब आपकी जिंदगी आपको अलग अलग रास्तों पर ले जाए। सोशल मीडिया पर दोस्त, फैमिली और कोवर्कर्स को जोड़ें और मैसेज भेजें या उन्हें हर महीने कॉल करें, बस उनके साथ रहने के लिए। सभी रिश्तों को बनाए रखने की जरूरत होती है, इसलिए महीनों या सालों को बिना कॉन्टैक्ट किए गुजरने ना दें। इस तरह जब भी आपकी सिचुएशन बदलती है, आपको हर बार अपने फ्रेंड ग्रुप को फिर से बनाने की जरूरत नहीं होगी। लैंड इन ईयर। जब दोस्त बनाने की बात आती है तो एक अच्छा लिसनर होना एक अच्छा स्पीकर होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महान लिसनर्स केवल मुस्कुराने और सिर हिलाने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। वो ध्यान से सुनते हैं और दूसरों में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो उनके खुद के बारे में बातचीत करने की रिक्वेस्ट को पोज करते हैं। जब आप लोगों को अपना ध्यान देते हैं तो आप बताते हैं कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन पर फोकस करना भी आपको अपने बारे में ऑब्सेस होने से रोकता है। सुनने से सोशल एंजाइटी को कम करने में भी मदद मिल सकती है। सुनना भरोसा कमाने और लोगों को ओपन करने के लिए सबसे तेज तरीकों में से एक है। शो एक्साइटमेंट। एंथुसियाज्म कॉन्टेजियस है, इसलिए अपने पैशन और एक्साइटमेंट को दिखाने से ना डरें। ज्यादा एक्सप्रेसिव और एंथुसियास्टिक होकर आप लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें आपसे बात करने के लिए एक्साइट करते हैं। जब आप किसी चीज को लेकर एक्साइटेड महसूस करते हैं तो अपनी आवाज और एक्सप्रेशन के मीडियम से ज्यादा एनर्जी और इमोशन को एक्सप्रेस होने दें। जो चीजें आपको दिलचस्प और एक्साइटिंग लगती हैं, उनमें नेचुरल एंथुसियाज्म होता है, इसलिए इन सब्जेक्ट्स पर कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने में हेजिटेट ना करें। बी पॉजिटिव। हर किसी को कभी न कभी कुछ बाहर निकालने की जरूरत होती है, लेकिन इसे नॉर्म ना बनने दें। याद रखें कि पॉजिटिविटी लोगों को नेगेटिविटी से ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और ज्यादा फील गुड कन्वर्सेशन का गोल रखें। शिकायत करना और गॉसिप करना एक टर्न ऑफ है और लोगों को सरप्राइज कर सकता है कि आप उनके पीठ पीछे उनके बारे में क्या कहते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो लोग आपसे बात करने के लिए क्यूरियस होते हैं और फ्यूचर में बातचीत के लिए आपकी तलाश करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जब बातचीत हैवी हो जाए तो मूड हल्का करने के लिए ह्यूमर और ऑप्टिमिज्म का इस्तेमाल करें। हर डिस्कशन को खुशखबरी, हैप्पी एंडिंग या ऐसे टॉपिक के साथ बताने की कोशिश करें जो एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। बिकम अ गुड स्टोरी टेलर। कहानी सुनाना लोगों को दिलचस्पी लेने और बातचीत में शामिल करने का एक पावरफुल तरीका है। एक अच्छी कहानी इमोशंस को ट्रिगर करती है और लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए डिटेल का इस्तेमाल करती है, जिससे वो ये सुनने के लिए एक्साइट हो जाते हैं कि आगे क्या हुआ। कहानी जानकारी को डाइजेस्ट करने और याद रखने में आसान बनाती है, जिससे लास्टिंग इम्पैक्ट बनाने में मदद मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अच्छी कहानी कैसे सुनाई जाए, तो अपनी यादों के ऐसे एक्सपीरियंस को ढूंढें जो फनी, अजीब, डरावने और दिलचस्प हों। जब कोई अपॉर्चुनिटी खुद को प्रेजेंट करती है तो इन्हें अपनी बातचीत में बुनें। कहानियां लोगों को आपको बेहतर तरीके से जानने में मदद करती हैं, आपको ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं और लोगों की दिलचस्पी बनाए रखती हैं। बी मोर ह्यूमन। बहुत से लोग लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये विश्वास करके कि उन्हें और ज्यादा दोस्त मिलेंगे। वास्तव में अपनी सक्सेस या हैसियत का दिखावा करने से लोग आपको नापसंद करेंगे, जिससे उनमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग पैदा हो सकती है। आपकी खामियां आपको इंसान बनाती हैं और उन्हें छुपाना आपको अनरिलेटेबल बना सकता है। अपनी कमियों को दिखाने और खुद से की गई गलती पर हंसने से ना डरें। लोगों को ये रिफ्रेशिंग लगता है और वो आपके आसपास ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बस इंश्योर करें कि आप बहुत दूर ना जाएं, क्योंकि अपने बारे में ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट देने से लोग अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं। सो बैलेंस करें। मेक पीपल लाफ। एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये आपको ज्यादा दोस्तों को अट्रैक्ट करने में भी मदद कर सकता है। जब ये ठीक टाइम पर होता है तो ह्यूमर आइस ब्रेकिंग करने, मूड को हल्का करने, लोगों को रिलैक्स करने और ओपन अप करने में मदद कर सकता है। लोगों को हंसाने के लिए आपको स्टैंड अप कॉमेडियन होने या हाथों में जोक्स का कलेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कम से कम सीरियसली लेने और फनी ऑब्जर्वेशन करने से सेम इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ह्यूमर थोड़ा कम फॉर्मल होने के बारे में है। ये बाकी लोगों को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है। मेक इट अबाउट देम। जब आप अपने बजाय दूसरे लोगों पर फोकस करते हैं तो आपके लिए सोशलाइजिंग करना आसान हो जाएगा। जब आप उन पर ध्यान देते हैं तो आप अपने आप से बाहर निकल जाते हैं, जो आपको कम परेशान और कम इनसिक्योर महसूस करने में मदद कर सकता है। उन पर फोकस करने से आपको उन टॉपिक्स को ढूंढने में मदद मिल सकती है जो उन्हें पसंद है, और उन चीजों के बारे में बात करने से बचें जो उन्हें अनकंफर्टेबल करती हैं।
जब आप सबल साइन देखते हैं कि आपने किसी सेंसिटिव सब्जेक्ट को छुआ है तो टॉपिक बदल लें। जब आप इंटरेस्ट के साइन देखते हैं तो आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। ब्रॉडन योर होराइजंस। ज्यादा हासिल किए बिना अपने सर्कल को बनाना मुश्किल है। अगर आप बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हैं तो एक्टिविटीज, क्लबों या सोशल प्रोग्राम में ज्यादा शामिल होने पर सोचें। ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है अगर आप घर से काम करते हैं, आप एक होम बॉडी ज्यादा हैं, या आपको सोशलाइजिंग के कुछ ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्टिंग करना आपकी सोशल स्किल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, साथ ही आपको दोस्त बनाने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी देता है। मीटअप, क्लास या बुक क्लब में शामिल होकर अपने सोशल होराइजन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने पर सोचें। रिमेम्बर द डिटेल्स। ज्यादा दोस्त बनाने का दूसरा तरीका डिटेल्स पर ध्यान देना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फेलो एम्प्लॉय अपने बच्चों के बारे में बात करता है तो उनके नाम और उनको याद रखने की कोशिश करें। अगर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के बारे में पासिंग कमेंट करता है तो फॉलो अप करें और पूछें कि ये कैसा रहा। लोग कभी कभी ये मान लेते हैं कि दूसरे लोग केवल पोलाइट होने के लिए सवाल पूछते हैं, ना कि इसलिए कि वो जाने में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरों के बारे में छोटी छोटी बातों को याद रखना लोगों के लिए बहुत मायने रखता है और ये सिग्नल देता है कि आप उन्हें बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। एक्सचेंज फेवर्स। मदद मांगना और मदद ऑफर करना दोस्ती बनाने के बेहतरीन तरीके हैं। जब एहसान लेना और देना होता है तब क्लोजनेस और विश्वास डेवलप होता है। तब भी जब आप मदद मांग रहे हो, $100 या उनके लेक हाउस की चाबी मांगने के बजाय चार्जर उधार लेने के लिए कहकर छोटी शुरुआत करने पर सोचें। जब भी आप कर सके एहसान वापस करना भी जरूरी है। लोगों की मदद करने, इनपुट देने या हाथ बटाने के मोमेंट की तलाश करें। किसी की मदद करके आप विश्वास पैदा कर सकते हैं और दूसरों की जिंदगी में खुद को प्रायोरिटी देते हैं। मास्टर द फाइव लव लैंग्वेजेस। द फाइव लव लैंग्वेजेस एक किताब है जो 5 अलग अलग तरीकों की आउटलाइन तैयार करती है जिसे लोग प्यार और अफेक्शन एक्सप्रेस करते हैं। परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि कलीग्स के करीब आने के लिए 5 लव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो 5 लव लैंग्वेजेस हैं वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट्स और दयालु वर्ड्स, फिजिकल टच, वार्म हैंडशेक या गले लगाने के साथ प्यार दिखाना, क्वालिटी टाइम और शेयर्ड एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देना, एक्ट ऑफ सर्विसेज, मदद करना, सपोर्ट करना या छोटे छोटे फेवर करना, गिफ्ट्स, छोटे या थॉटफुल गिफ्ट्स या अप्रिसिएशन देना। ज्यादातर लोगों के पास 1 या 2 लव लैंग्वेजेस होती हैं, जिनका वो सबसे अच्छा जवाब देते हैं। आप आमतौर पर किसी इंसान की लव लैंग्वेज का पता इस बात पर ध्यान देकर कर सकते हैं कि वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं और वो किस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। डेवलप मोर सेल्फ कम्पैशन। आप अपने लवर को छोड़ सकते हैं, अपने बॉस के कॉल को अनदेखा कर सकते हैं और अपनी माँ से दूर जाने के लिए देश भर में घूम सकते हैं, लेकिन आप कभी भी खुद से बच नहीं सकते। आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं ये आपके बाकी सभी रिलेशन को अफेक्ट करता है। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हैं तो आप शायद ये मान लेते हैं कि कोई और भी नहीं करेगा और लोगों को आपको जाने देने में बहुत डर लग सकता है। अपने थॉट्स में दयालु होने से, अपनी गलतियों को ज्यादा माफ करने और अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने से आप अपने साथ और ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं और लोगों को आपके पास आने में आसानी होगी। ज्यादा सेल्फ कंपैशन डेवलप करने से आपके मूड में सुधार हो सकता है और आपके रिलेशन को मजबूत करते हुए आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। तो दोस्तों, बताए गए स्किल्स और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद को बढ़ावा देंगे और ज्यादा दोस्तों को अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फोर्सेस को डेवलप करेंगे। ध्यान रखें कि ये पावर्स केवल तभी काम करती हैं जब आसपास लोग होंगे, इसलिए रेगुलरली बाहर निकलें, नए लोगों से मिलें और ज्यादा बातचीत शुरू करने की कोशिश करें। खुद को जानना ही दूसरों को आपको बेहतर तरीके से जानने देने का सीक्रेट है। दूसरे इंसान के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा इंपॉर्टेंट है। ईमानदार, पैशनेट और कॉमन ग्राउंड होने, बातचीत में शामिल होना दूसरों को आपको पसंद करने के लिए इनकरेज करेगा। जब आप ओपन होने में कैपेबल होते हैं तो आप ज्यादा इंटीमेसी और विश्वास पैदा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।